पीलीभीत से हैं। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे को लगातार शिकायत मिली थी कि शहर में बीचों बीच बनी 5 कॉलोनी केजीएन 2 में एक अवैध फर्नीचर फैक्ट्री चल रही है, जिसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की। उसके साथ वन विभाग की टीम, बिजली विभाग की टीम, नगर पालिका की टीम, जीएसटी टीम, फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कहीं और था और यह अवैध तरीके से 5 कॉलोनी में चलाई जा रही थी, जिसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए उसको सीज कर दिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए डीएम पुलकित खरे को भेज दिया है। एक डीएम साहब को शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें डीएम साहब ने मुझे कहा कि संबंधित विभाग को ले जाकर के इसकी जांच की जाए, क्योंकि जिन कॉलोनी 2 में जो है अफरोज मलिक जी द्वारा जो है फैक्ट्री का फर्नीचर का कारखाना जो है चलाया जा रहा है, तो इसकी जांच की गई तो पता चला कि इनका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो किसी अन्य स्थान का है, इन्होंने बताया भी, और वहाँ पे बताया उन्होंने कि वहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। लेकिन उन्होंने शिफ्ट किया तो किसी विभाग से अनुमति नहीं ली, और ये कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ नहीं हो सकती जिस जगह पे हो रहा है, आवासीय क्षेत्र है। तो इस बाबत सभी विभागों के साथ जाँच की गई, जीएसटी के लोग थे, वन विभाग, अग्निशमन विभाग के, नगर पालिका, विनिमित क्षेत्र, सभी लोगों ने जाँच करी, GMBIC साहब भी थे। तो जाँच में पाया गया कि इनका रजिस्ट्रेशन कहीं और का था और उसको जो है यहाँ पे गलत तरीके से चला रहे थे, जिसके बाबत इनका जो है ये प्रतिष्ठान जो है वो जिस दशा में उस दशा में सील कर दिया गया है। फिर आगे इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाएगी, फिर जैसा निर्देश प्राप्त होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।